अनुप्रताप जी, बीजेपी के एक सबसे गरीब नेता बताए जाते हैं और बिल्कुल मोदी के लिए बताए जाते हैं कि मोदी के पद चिन्हों पर चलते हैं, सबसे गरीब नेता हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे प्रताप चंद सारंगी जी के बारे में? नहीं, गरीब ये दिखाने का एक ढोंग है, एक प्रचार है जो किया जा रहा है जानबूझ के। वो झोंपड़ी में रहना या केवल सादा कपड़े कुर्ता पजामा पहन लेना, इससे दिखाने का भी गरीब व्यक्ति है। लेकिन उस गरीब व्यक्ति को जिसको दिखाया जा रहा है, उसकी मानसिकता देखिए कितनी दूषित मानसिकता है। वो व्यक्ति उड़ीसा में 1999 में जब वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिश्चियन मिशनरी जो केवल हमारे देश में जो उसके हैं कोढ़ी हैं जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं लगातार और उनकी मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर उनको और उनके दो मासूम बच्चों को एक गाड़ी में आग लगाकर जिंदा जला दिया। तो आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि उसने सादा पहन रखा है, वो सादा पहने कपड़े, सूट पहने कपड़े, गरीबी में रहे, ये सारे के सारे दिखावे हैं, ये प्रचार तंत्र है और कुछ नहीं है। और जहाँ तक आप मोदी से उसकी तुलना की बात करें, मोदी से तुलना का मतलब मुझे कोई खास नज़र नहीं आता। हाँ, जहाँ तक इस तरह की बात है कि भाई वो भी हिंसा कर रहे हैं, वो भी हिंसा कर रहे हैं, गुजरात का जो उदाहरण है मोदी के लिए हिंसा से कभी वो दाग छूटेगा नहीं, उसका जवाब आज तक नहीं दिया, माफ़ी आज तक नहीं मांगी, तो ये भी जो इन पर भी जो है हिंसा के दाग हैं। 3 मासूम लोगों की हत्या का आरोप है, बेशक उसके बाद में इंक्वायरी में जो भी कर दिया गया हो उनको बरी कर दिया गया हो, लेकिन वो व्यक्ति है जिसने बहुत ही गंभीर रेयर टू रेयर जो जिस अपराध को आप कहें जिसमें फांसी की सजा होती है, वो अपराध उस व्यक्ति ने किया। एक निर्दोष, एक बेगुनाह, एक सेवा करने वाले इंसान का केवल धार्मिक उन्माद में, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, उसके और उसके बच्चों का जलाकर उनको मार दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, तो आप उसे कैसे मानेंगे? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान मोदी सरकार में उसे मंत्री बनाया गया है, तो ये लोगों के दिखाता है कि उन्हें कैसे लोग पसंद है। पहले ही जो इस बार ये लूट तंत्र के माध्यम से जीत के आए हैं और बीजेपी में आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपराधिक छवि के लोग हैं और गंभीर अपराधों के जो हैं अपराधी जो हैं वो लोग हैं, वो आरोपित लोग हैं। और आज फिर ऐसे में एक खून के इल्जाम में जो व्यक्ति है जिसने कत्ल किया है उस व्यक्ति को आप मिनिस्टर बना रहे हैं, तो इससे क्या संदेश जाता है कि आपको जनता का, जनता की भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है, आपके उन हिंसक उद्देश्यों को पूरा करने वाले जो भी लोग हैं आप उनको अपने साथ रख के बढ़ावा दे रहे हैं और दिखावा ये कर रहे हैं कि ये बड़े साधारण और गरीब लोग हैं, इनका गरीबी से साधारण से कोई लेना देना नहीं है। आप थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जिन्होंने बताया है कि प्रताप चंद सारंगी वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर करीबन 7 से ज़्यादा आपराधिक मामले चल रहे हैं और जिनको सांसद बना के साइकिल दिखा के एक साधारण रूप में पेश किया जाता है। हमारे चैनल से बात करिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।